भिवानी में एक युवक की अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को उसकी पत्नी ने अपने मायके बुलाकर जहर खिलाकर जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं पृथ्वी सिंह, रिटायर्ड प्राचार्य, गाँव घोषणा, तहसील लोहारू, जिला भिवानी का रहने वाला। क्या मामला है? 19 नवंबर 2018 को मेरा बड़े लड़के सुरेंद्र की शादी नाना गांव में की थी। तो शादी के बाद उसे सुरेंद्र के साड़े में 5 लाख रुपए मेरे से नौकरी लगने के लिए उधार लिए। जब मैंने वापस लेने की कही, उन्होंने मार्च की आँ भरी थी, वापस लेने की कही तो पहले टाड़ बटोड़ करते रहे, बाद में फ़ोन उठाना शुरू कर दिया, बंद कर दिया, यानी फोन ही नहीं उठा रहे थे। तो अब ये लड़का वो पैसे के लिए करने गया तो इन्होंने यानी कोई जहरीला पदार्थ खा खिला कर उनकी हत्या कर दी। कैसे पता चला? मुझे पुलिस के कंट्रोल रूम के द्वारा भिवानी से पता है। कोई सुसाइड नोट आपसे बात हुई हो? हाँ, सुसाइड नोट है। मेरे लड़के ने अपने यानी चाचा के लड़के के पास, ताऊ के लड़के के पास, संदीप के पास एक व्हाट्सअप कराया और एक फ़ोन कराया। फ़ोन क्या क्या बात हुई थी? फ़ोन पर वो कराया कि मेरे को बहका के बुला लिया गया और ये जहर दे दिया गया मेरे को। किसने जहर दिया? उर्मिला, उसकी पत्नी और उर्मिला की बुआ राजवाला और राजवाला का लड़का बिंटू रिटायर्ड प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है जी। मेरा लड़का की शादी हुई थी, ये लड़की उर्मिला इसकी बुआ है राजवाला नंदा, और शादी के बाद उसका सुरेंद्र की का साला बुआ लड़का 5 लाख रुपये मार्च लड़की से उधार ले गया था, जिसने मार्च में वापिस देने थे, पैसे वापिस देने थे। फिर मास्टर जी आगे फोन नहीं उठा रहे थे, बार बार वो टॉल मटोल कर दे रहे। सुरेंद्र पैसे मांगने के लिए नंदा गया था तो नंदा पैसे देने से परेशान उत्पन्न पा करें और सुरेंद्र को परेशान किया, मारपीट की। और बताते हैं सुरेंद्र ने इस बात से तक पा गया तो जहरीला पदार्थ खा लिया। अब तो सारी जो सच्चाई आएगी वो निकाल। भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।